आज आपके पास एक बार फिर से एक नई सूचना के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करते हैं सारा की। सारा इंडिया परिवार की बात अगर आप देखें तो मैं करीब करीब आपको हर वीडियो में उसी से संबंधित सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो अभी जिस तरीके से हमारा सारा इंडिया परिवार में खींचतान चल रही है, तो अभी इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि आगे ये किस तरह से खींचतान अभी आगे चलेगी कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो पेमेंट्स देने की जो डेटें थी वो करीब करीब 5 आ गई हैं, और लेकिन पेमेंट्स के लिए अभी भी कोई ऊपर से स्थिति नहीं बन पा रही है कि कोई हम लोग को अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं कि पेमेंट को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में पेमेंट तो देना ही है कंपनी को, तो वो किस तरीके से देगी, अगर वो देना है तो वो पब्लिक कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी, तो अभी ये आने वाले समय में ही मालूम हो पाएगा। तो जिस तरीके से स्थितियाँ ये बन रही हैं कि एक तो सारा श्री का जो उन्होंने अपना एक वचन दिया हुआ था कि हम नवंबर दिसंबर में करीब पेमेंट हम स्टार्ट कर देंगे, लोगों को अब आगे वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नवंबर भी ख़त्म हो गया, दिसंबर हमारा आधा करीब करीब निकल रहा है, और अभी भी कोई भी उस पर किसी भी पेमेंट के लिए कभी मतलब कहीं से भी कोई भी हमें न्यूज़ नहीं मिल पा रही है कि मैं आप लोगों को उससे अपडेट करा सकूँ। तो जिस तरीके से ये प्रकरण हमारा 2013 से चल रहा है, आज होते होते करीब 9 साल धीरे धीरे होने को आ गए हैं और अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया है, चाहे वो हमारे सारे इंडिया परिवार के ऑफिस से हो या हमारे जितने भी ऑफिस जो हर सिटी में बने हुए हैं वहाँ से हो। क्योंकि इसका डिसीजन हमारा जो भी है, हमको जो भी जितना भी डिसीजन है हमको सारस्वी को लेना है यहाँ पे, और वो डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं किसी को भी वो चीज़ नहीं मालूम हो रही है। अभी बात करते हैं कि कुछ समय पहले भी हमारे पास एक ऑप्शन आया था कि ये अपनी सारे कुछ ऐसे हैं जो वहाँ के लिक्विडेशन करवा के अपनी प्रॉपर्टी को वो हमारे पेमेंट्स करेंगे, लेकिन वो भी हमारा लिक्विडेट्स जो होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो बोली लग रही थी वो हमारे जो भी कॉस्ट के से भी नीचे जा रही थी। तो सारा श्री ने एक चीज़ बोली कि भाई हम अपने किसी भी लिक्विडेट करने के लिए किसी भी चीज़ को हम अपने अमाउंट से नीचे नहीं जाके करेंगे, बल्कि अगर हमें जब ऊपर का अमाउंट मिलेगा जो भी हमारी लागत है उसके ऊपर का मिलेगा तब हम उसको लिक्विडेट करेंगे।